हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विश्वकर्मा एंटरप्राइजेस। और दोस्तों, मेरा नाम आशीष विश्वकर्मा। दोस्तों, मैं आपके लिए बॉक्स लिया। बहुत ही दोस्तों कमेंट आ रहे थे, सर आप एम्पली नोट के बारे में बताइए। तो देखिए दोस्तों, हमने लाया है ये जो ऑप्टी लिंक का है एम्पली है दोस्तों, हाइब्रिड एम्पलीफायर ड्यूल आउटपुट। तो दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, जो हमारा जो सिग्नल है 67 हमारे पास इनपुट है, ठीक है दोस्तों, और आउटपुट हमारा 60 90 97 97 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हमारा 94 आ रहा है और 95 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारा एमआर और वीआर होता है वो अनलॉक हो जाता है। कुछ देर चलेगा, 10 मिनट 5 मिनट चलेगा दोस्तों, उसके बाद से ये अनलॉक हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रॉब्लम के लिए दोस्तों, हमारा जो मेन प्रॉब्लम वो होता है वो ढूंढना, या तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एक कैपेसिटर खराब होता है, ठीक है दोस्तों, नहीं तो ये हमारा RF IC खराब होता है। दो प्रॉब्लम हो गए। तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों, इसका वोल्टेज ड्रॉप होता है। जो 24 वोल्ट का हमें वोल्टेज होता है, ये 24 वोल्ट का IC होता है, तो ये 24 वोल्ट ना मिलता है इसको, जैसे 18 वोल्ट 17 वोल्ट मिलता है, इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, हमने बॉक्स को तो खोल लिया है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, मीटर को 200 पे सेट करेंगे, क्योंकि हमारा 20 के ऊपर ही है, 24 वोल्ट चेक करना है, इसके लिए 200 पे सेट करेंगे। आइए हम ग्राउंड में से यहाँ पे जैसे कि दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, अभी 0 हमारा है, और ये हमारा बीच वाला, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 IC है, और ये हमारा बीच वाला 24 वोल्ट है। देखिए, हमारा 23 वोल्ट आ रहा है, मतलब दोस्तों हमारा कोई प्रॉब्लम IC का हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि वोल्टेज तो हमारा क्लियर, ये चलते चलते होता है। अभी मैं चेक करता हूँ दोस्तों, IC गर्म होने लगा है, अभी 2 मिनट भी नहीं हुआ दोस्तों और IC गर्म हो रहा है। ज़्यादा ज़्यादा देखिए दोस्तों, क्या रहता है, आपको लगता है कि MRVR हमारा क्लियर है, लेकिन MRVR क्लियर नहीं रहता। वो जब भी आप लोड करते हैं दोस्तों, तो उसमें MRVR अप डाउन होना शुरू रहता है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता दोस्तों, मैंने आपको सिग्नल दिखा दिया, सिग्नल तो हमारा प्रॉपरली आ रहा है, 67 हमारा इनपुट है, 97 हमें आ रहा, मतलब 30 dB हमें क्लियर आ रहा है। तो IC तो लग रहा है आपको सही है, बट IC दोस्तों सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये IC को यहाँ से निकालेंगे। बहुत दोस्तों का कमेंट आया था, सर आप IC निकाल के और कौन सी IC नंबर कितना था वो दिखाइए, तो मैं आपको IC का नंबर दिखाऊंगा और IC लगा के दिखाऊंगा, कैसे लगाते हैं, प्रॉब्लम क्या है वो भी चेक करके दिखाऊंगा। इसमें दोस्तों स्क्रू ही प्रॉब्लम रहता है, स्क्रू खोलना बहुत ही प्रॉब्लम रहता है, स्क्रू बहुत ज्यादा रहता है। देखिए दोस्तों, हमने स्क्रू को पूरा खोल लिया, हमारा 2 स्क्रू इधर भी फंसा था, उसे भी हम यहाँ से निकाल लेंगे। अभी देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से आप IC को निकालने का तरीका हम आपको दिखाते हैं। पहले इसे यहाँ पूरा रिसोल्व कर दीजिए दोस्तों, ये देखिए रिसोल्व कर लिए आपने अच्छे से। उसके बाद IC को ये हिस्सा, ये जो प्लास्टिक का हिस्सा था, इसे पकड़े और नीचे की तरफ नीचे, ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसानी से दोस्तों हमें ये हमारा IC निकल गया। और ये दोस्तों इसका देखिए, यहाँ पे 834T, ये जो इसका ये 24 दिख रहा है, ये इसका वोल्टेज का वैल्यू है कि ये कितने वोल्टेज पे चलता है। तो ये कितने वोल्ट पे दोस्तों, 24 वोल्ट पे चल रहा है। तो दोस्तों, थोड़ा हमारा तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, कमेंट आ रहे थे इसके लिए। तो ये देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इसे जो IC का होल होता है उसे अच्छे से साफ कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने IC के होल को अच्छे से साफ कर लिया है, सब कुछ कर लिया। तो दोस्तों देखिए, अभी जो हमारे पास IC है वो इसका नंबर होता है BGY888N, और ये जो था दोस्तों, ये देखिए, ये दूसरा नंबर। लेकिन दोस्तों कोई मतलब नहीं है इससे, ये दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों नंबर खाली चेंज है, IC सेम है। जैसे कि अभी इसमें दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देखिए 887 है, BGY 887
ये 20 dB निकलता है दोस्तों और ये 30 dB निकलता है, बस इतने का फर्क है। तो आइए दोस्तों पहले हम इसे यहाँ से राउंड कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमने इसे अच्छे से कर लिया है। अब दोस्तों ये जो हमारा होल होता है इसके जगह पे ही हमें अच्छे से डालना है। ये दोस्तों बहुत ही आसानी से मैंने यहाँ पे इसे लगा लिया है। देखिए दोस्तों अच्छे से इसे टाइट करना रहता है नहीं तो आईसी हमारा खराब हो जाएगा। देखिए हमने थोड़ा सा टाइट किया, अभी हम पकड़ से इसे अच्छे से टाइट करेंगे क्योंकि दोस्तों ये टाइट नहीं होएगा तो हमारा आईसी जल्दी खराब हो जाएगा क्योंकि इसमें हीटर काम नहीं करेगा। जो हीटर होता है वो गर्म हो जाएगा तो ये आईसी उड़ जाता है। दोस्तों फाइनली हमने अच्छे से लगा लिया है। अब हमारा जो मेन काम होता है दोस्तों होता है हमें इसे रिसोल्ड करना, अच्छे से सोल्डिंग। देखिए दोस्तों हमने इसे अच्छे से रिसोल्ड कर दिया है, सोल्डरिंग भी कर दिया है, अभी हमारा ये काम हो गया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, मेन हम चेक करेंगे फिर से हीटर हमारा चालू हुआ तो काम अच्छा हुआ कि नहीं हुआ वो देखेंगे। दोस्तों हमारा ये जो इनपुट का वायर इनपुट में और जो ये मीटर का वायर है दोस्तों वो हम आउटपुट में लगाएंगे। तो अभी चेक करेंगे दोस्तों 95 तो हमारा आ रहा है लेकिन देखिए ये हमारा जो MRVR है अभी एकदम स्टॉप हो गया और अभी प्रॉब्लम आएगा भी नहीं दोस्तों क्योंकि ये ज़्यादा MRVR की वजह से ही प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 28 dB निकल रहा है ये आईसी से और ये MRVR इसे एकदम पूरा प्रॉपरली दोस्तों स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो दोस्तों हमने दिखाया आपको आईसी चेंज करके आईसी कैसे चेंज करते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें दोस्तों, इंस्टाग्राम पर जाकर दोस्तों हमें फॉलो भी करते रहे। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय महाराष्ट्र।